हाय दोस्तों, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर सलमान खान की फ़िल्म की शूटिंग हो चुकी है और यहाँ पर पुष्पा की भी शूटिंग हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर कई फिल्म शूटिंग हो चुकी है यहाँ पर, यानी कि कई हीरो लोग शूटिंग कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हो, लोकेशन देख सकते हो यार, यहाँ पे इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत है। आप लोग लोकेशन देखिए, और इस जगह का नाम भी है रुसेल। यानी यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं, हमारे देश से लोग आते हैं और बाहर के भी कंट्री से लोग आते हैं यहाँ पर शूटिंग करते हैं। यहाँ पर सलमान खान भी आ चुके हैं, शाहरुख खान भी आ चुके हैं, जितने यानी सुपर स्टार हीरो हैं यहाँ पर आ चुके हैं। जो हमारे पीछे ये बिल्डिंग दे रहे हो, ये जो शिफ्ट की जैसे बना हुआ है, इसमें भी शूटिंग हो चुकी है, समझे, इसमें भी शूटिंग हो चुकी है। तो आप लोग को ऐसी ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ कि आप लोग देखते रहिए और पूरी वीडियो देखिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बहुत खूबसूरत नज़ारा है मेरे भाई, शाम का टाइम आप लोग देख सकते हो, हमारे पीछे देख सकते हो पूरी बिल्डिंग इधर पाओगे, और ये एरिया भी देख सकते हो आप लोग। अभी हम आपको लेके जा रहे हैं समंदर के साइड में, और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, आप लोग को उस भी हवा के भी साथ रिकॉर्डिंग भी आ रही होगी साथ में, और ये चीज़ देख सकते हो समंदर। तो दोस्तों, ये समंदर काफ़ी बड़ा है और बहुत बड़ा समंदर आप लोग देख सकते हो। और ये बीच में शायद कुछ बन रहा है, पता नहीं क्या चीज़ बन रहा है यहाँ पर, शायद कोई होटल वोटल का कोई तैयारी हो रहा है। और जो हमारे पीछे ये जो देख रहे हो आप, ये भी एक होटल है, ये भी एक होटल है और इसके पीछे भी होटल है। और ये सारी जगह जो आपको दिख रही है, सारे होटल, अभी ये जितने होटल ये हैं पीछे हमारे, एक भी होटल अभी इसमें यानी चालू नहीं हुआ है, एक भी होटल भी चालू नहीं हुआ है, खाली सिर्फ ये वाला होटल चालू है। और यहाँ पर वर्ल्ड कप होने वाला है कतर के अंदर, तो यहाँ पर वर्ल्ड कप की वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम चालू है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती हो रही है। वजह यह है कि बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर, टूरिस्ट भी आते हैं और बाहर से लोग आते हैं काम करने। तो दोस्तों देख सकते हो, ये पूरा इलाका समंदर का है, और ये जो देख रहे हो ये ऊपर का बंद कर दिया, क्योंकि लोग गाड़ी लेके जाते थे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर चक्का बना है, टायर भी बना है इस पर, क्योंकि यहाँ पर लोग गाड़ी लेके जाते थे ऊपर, उसके बाद उस पार जाते थे। चलो मैं लेके चलता आप लोग को ऊपर, ऊपर से दिखाता हूँ मैं आप लोग को यहाँ का नज़ारा, कितना बेहतरीन नज़ारा और कितना खूबसूरत नज़ारा है। और मैं आपको दिखाता हूँ चांद तारे वाली बिल्डिंग, आप लोग बहुत से पिक्चरों में देखे होंगे और बहुत से उसमें भी फ़ोटो में देखे होंगे, और बहुत से टिकटॉक पर ये चांद तारे वाली बिल्डिंग वायरल हुई है। और ये जो सामने दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग है ये, इसमें ये बहुत बड़ा होटल है, बहुत बड़ा। तो दोस्तों अभी हम ऊपर आ गए हैं और ऊपर से दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती, यानी कि इतना बेहतरीन कतर अभी बन चुका है, इतना खूबसूरती भी में आ चुका है, यानी कि अभी नंबर एक पर चल रहा है, दुबई का टक्कर ले रहा है कतर। तो दोस्तों देख सकते हो किस हिसाब से समंदर का पानी अंदर लेकर गए होटल के अंदर। ये होटल भी है, ये मॉल भी बहुत बड़ा जो आपको ये सामने दिख रहा है, यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद लाइटिंग है, ये होटल भी है और मॉल भी है, बहुत बड़ा मॉल है। आप घूमोगे कम से कम 5-6 घंटे लग जाएंगे इसके अंदर। और जो ये बिल्डिंगें देख रही हो, अभी ये बिल्डिंग अभी चालू नहीं हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है, बाहर से लोग आएंगे यहाँ पर वर्ल्ड कप देखने, पहली बार कतर के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है। और मैं फ्लाइट भी दिखा दूँ आपको, फ्लाइट भी जा रही है। तो दोस्तों इधर अभी काम चालू, ये एरिया में पूरा काम चालू है, अभी ये एरिया को बंद कर दिया गया है, देख सकते हो। और ये है चांद तारे वाली वो बिल्डिंग, बहुत से टिकटॉक पर वीडियो वायरल हुआ है, ये बहुत से सारे जगह पर ये बिल्डिंग आप लोग देखे होंगे शायद। तो दोस्तों ये है यहाँ का नज़ारा, यहाँ पहले रेगिस्तान हुआ करता था, पहले यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था, सिर्फ जंगल जंगल। अब आज का यहाँ का कीमत है मिलियन रियाल में, लोग रोज कमाते हैं मिलियन रियाल में, यहाँ कभी लोग आते नहीं थे। और आज देख सकते हो कितने हिसाब से पानी, समंदर का पानी अंदर जा रहा है, और अंदर भी खूबसूरती के हिसाब से बनाया हुआ है। तो गाइस, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऐसे वीडियो पाने के लिए कतर की कोई भी जानकारी हो हमसे संपर्क जरूर करें, और वीडियो को जरूर जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें कि हमारी वीडियो आप तक जरूर पहुँचे, जैसे हम अपलोड करें यूट्यूब पर वैसे आपको मिलती रहे। तो गाइस यही करते हैं वीडियो।